सुनो बात सुनो हरिओ। देखिए अपने चिड़ियाघर के सभी फेवरेट एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ sonylive.com sonylive.com पर। देखा प्रीतम, मैंने पहले ही कहा था यहाँ इस बंगले में भूत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सॉरी। वेल थैंक यू। सॉरी। वेल थैंक यू। हमने सारे गैजेट्स ले लिए हैं, एक गन भी ले ली और चौथा रॉकेट भी ले लिया है। अब देखते हैं इन भूतों को। एक बार गोगी दीदी और मेरी जी मिल जाए, उसके बाद हम लोग इस रॉकेट से भूतों को उड़ा देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ का भूत मेरे हाथ में आ गया है। ये रहा यहाँ का सबसे बड़ा भूत। अरे जीजा जी, ये कैसा मजाक है? ये मजाक करने का वक्त नहीं है, ये कोई भूत भूत नहीं है, ये तो हमारे कालिया जी है। हाँ? अरे ये कालिया ही यहाँ का भूत था जो डरा रहा था हम सबको। बता बता मेरी गुगी कहाँ है? बता कहाँ है मेरी जी? कहाँ है मेरी जी? बता वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। बता, हैंड्स अप। ये हैंड्स अप कौन कर रहा है? कौन है बे? तू? हैंड्स अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक के गिरेबान पे हाथ डालने की? इडियट, मालिक मैं हूँ तेरा मालिक। तुम? हाँ। तुम और मेरे मालिक? देखा जीजा जी, आप मालिक लगते ही नहीं हो, आप तो सबके दोस्त लगते हो, इसीलिए हंस रहे हैं। अच्छा अच्छा। चुप चुप चुप। सॉरी। वेल थैंक यू। तुम्हारी मैरी और गोगी मेरे कब्जे में है। क्या तूने मेरी गुगी को किडनैप किया, वो भी पैसों के खातिर? मैं चाहता था तुम लोग डर कर ये बंगला खाली करके भाग जाओ, इसलिए मेरे आदमी भूत बनकर प्यारे को डराने लगे। सुना तुमने? मैं कह रहा था लेकिन नहीं मेरी बात सुनी। वो तो डर गया लेकिन तुम दोनों नहीं डरे, इसलिए मुझे गोगी को गायब करना पड़ा। और तुम तो बहुत शातिर निकले, तुम्हें डराने के लिए आया तो तुमने मुझे ही दबोच लिया। कालिया भाई, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों कर रहे हो? बताता हूँ। क्या कर रहे हो? कपड़े? ओहो, वही किन्नी से तो बाल ही नहीं। आपको कहीं देखा है? अरे ये तो वही डॉन है, चुन्नी भाई। ये तो वही है ना जिनकी वजह से कई लोगों की दीवार फोटो पे लग गई। फोटो दीवार पर लग गई? सॉरी, बात तो एक ही है ना चुन्नी भाई। वही चुन्नी, इस बंगले का मालिक। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे गिरेबान पर कोई हाथ डाल सके। अब कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। एक मिनट, एक सवाल पूछना था। वैसे चुन्नी भाई, आप ये कालिया जी, मेरा मतलब है नौकर बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ, क्यों कर रहे थे? क्यों किया कालिया भाई? ये नाटक मैं उन लोगों के साथ करता हूँ जो ये घर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, ओ तो आपको नाटक में काम करने का इतना ज्यादा शौक है? इतना शौक है? इतना शौक है कालिया भाई? चुप! मैं उन लोगों को भूत की कहानी सुना सुना कर डराता हूँ, उनके फैमिली के किसी मेंबर को गायब करवा देता हूँ ताकि वो लोग डर कर ये बंगला छोड़कर भाग जाए। मगर गोगी और मैरी के गायब होने के बावजूद भी तुम लोग नहीं डरे। ये छोटू! अरे देखना ध्यान कहाँ है तेरा। अरे जीजा जी, तुम लोग
लोगों को मरना पड़ेगा। ये मैंने क्या कर दिया? एक मिनट, कालिया जी, एक आखिरी सवाल है कालिया भाई, 1 मिनट प्लीज। पूछ बेटे। वैसे आप ये सबको डराते क्यों हैं? हाँ, डराते क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये बंगला खरीदे और मुझे डिस्टर्ब करे। पिछले 10 साल से मैं दुनिया और पुलिस वालों के लिए मर चुका हूं और यहां आराम से रह रहा हूं। एक मिनट, एक आखिरी चीज कालिया जी, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अगर आपको ये बंगला चाहिए तो आप ले लीजिए ना, लेकिन मेरी जी को और हमारी दीदी को छोड़ दीजिए ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। हा? चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। छोटू, नहीं, उसे नहीं, उसे आपके पास ही रखिए, उसे नहीं ले जाएंगे। रख लीजिए, वो तो आप ही रखेंगे ना। छोटू, अगर तेरा हाथ वहां तक पहुंचता है तो उसके मुंह पे टेप मार। कैसी बातें करते हो कालिया भाई, छोटू का हाथ मेरे मुंह तक नहीं पहुंचता, वहां क्या पहुंचेगा? मगर तुम लोग अब पहुंच जाओगे। अरे, सीधा ऊपर। तुम लोग मेरा राज जान चुके हो, तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। एक मिनट कालिया, अरे चुप रहे, सवाल पूछ, मुझे सारा राज जान लिया उसका, कर दिया बेड़ा गर्क। सिकंदर, नेटवर्क, तुम लोग मेरे आदमी होकर उन औरतों से पिट गए, जवाब क्यों नहीं देता? तो तुम दोनों बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। जानू, मेरी जी। प्रीतम, प्यारे, बारिश। तुम कौन हो भाई? भूतों के बादशाह ने कहर ढाया, दारा कोयला आया आया आया। वो, थैंक यू। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। दारा कोयला? हाँ, दारा कोयला और वो बुतरीना, दोनों हमारे बहुत पुराने दुश्मन और असली भूत हैं। और ये रही असली गन। क्या? भूतों को मारने के लिए अब तुम लोग नहीं बचोगे, दारा कोयला और पुत्रीना। प्रीतम प्यारे, तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी कमजोरी हमारे कब्जे में है, और अगर तुम दोनों इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो ये गन नीचे फेंको, फेंको ये गन नीचे, वरना इन दोनों को मैं अपना हार बना लूंगा। नीचे गन फेंक, प्यारे, फेंक दे। फेंक दी, सॉरी। थैंक यू। दारा कोयला जी, आप भले इन सबको अपना आहार बना लीजिए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी मुझे खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं डॉन, तुम मत घबराओ क्योंकि तुम प्रीतम प्यारे के दुश्मन हो, और जो प्रीतम प्यारे का दुश्मन होता है वो दारा का दोस्त होता है। बस इन दोनों को ऊपर भेजो, जाओ भेजो। एक मिनट चंपू, चिपकू, जो भी नाम है तेरा, एक मिनट रुक जाओ। दारा, अगर ये लोग वहां जाएंगे तो ये लोग यहां आएंगे। जीजा जी, सॉरी, जाओ। सॉरी, चल। मेरे बात सुनो। हॉर्न क्यों बजा रहे हो आप? हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ, पीपी याने प्रीतम प्यार, पीपी सॉरी।
मोटे, ये क्या इशारेबाजी हो रही है? जो भी बताना खुलकर बताओ। अरे मैं उन्हें लाइट्स ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ ताकि अंधेरा हो जाए और हम लोग भाग सके। अरे यार तो लाइट ऑफ करो ना। ये कुछ आ गया मेरे हाथ में, क्या है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है तू? निशाना गलत हो रहा है मेरा। कहाँ की तरफ? अरे जीजा जी, क्या ये क्यों फेंक रहे हो? क्यों? अरे बड़े महंगे चिपकू गम है। अरे चिपकू गम तुझ पैसे ही पड़ी है, यहाँ जान की पड़ी होनी चाहिए, तुझ पैसे ही पड़ी है। जीजा जी, फेंक चिपकू। पुत्री ना, जल्दी से यहाँ रोशनी करो। मालिक, हमारे पास में माचिस है, आज देता है। महा मोटे, छोटे मोटे प्रीतम, अब तारा से बचकर कहां जाओगे? अब तारा तुम लोगों को खत्म कर देगा। जीजा जी, जान की भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं। कोई नहीं, बैठ जाओ। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कालिया दीवार पर चिपक गया। ये क्या कर रहा है? आज के बाद उस डब्बे से कभी बाहर नहीं निकल पाए। आई सावाज, दारा फुस, दारा फुस, दारा फुस। और टिकू खुश खुश खुश। शाबाश शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों, शाबाश। सच में मुझे तो लगा था कि तुम लोग माफी मांग रहे हो, पर ये प्लान हो सकता है ऐसा तो सोचा ही नहीं था, है ना? नहीं मेरी जी, दरअसल हमारा प्लान था, ये यही प्लान था।
हाँ वही कह रहा था, दरअसल यही हमारा प्लान था। शाबाश शाबाश। देखा जानू मेरे भाई इसका कमाल, बस इन गुंडों की अब निकाल दो खाल। मार डाला गुगी, मार डाला, मार डाला। अरे पुलिस आएगी और इन गुंडों की खींचेगी खाल। नहीं नहीं छोड़ दो, फिलहाल तो हम बच गए बाल बाल। मार डाला, मार डाला। अब भूतों के बादशाह पे कहर ढाया। अब तारा की दहशत खत्म, वो पकड़ा गया है। अब भूतों के बादशाह की गद्दी खाली और अरे जरा धीरे खासना, अभी मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता। अब तो क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आप भूतों के बादशाह बनेंगे। हाँ वो तो मैं बनकर ही रहूंगा। जाओ मेरा प्रचार शुरू करो और सारे भूतों से कह देना कि इस बार वो इलेक्शन में सिर्फ मुझे वोट दे। जाओ। मिस्टर किलावाला, पुलिस तो समझती थी कि डॉन मर चुका है, लेकिन आप लोगों ने इसे पकड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है। नहीं 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 नहीं, मैंने इसको नहीं पकड़वाया, ये काम तो मेरे दोनों सालों ने किया है। मेरे भाई। अच्छा हाँ तो देखिए भाई, 10 साल पहले इस डॉन पे 25 लाख रुपए का इनाम था। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने पकड़ा है तो पूरे 25 लाख रुपए इन लोगों को मिलेंगे। 25 लाख? ले जाइए इन लोगों को। चलो ले चलो इनको, चलो ले चलो। क्या किया तूने? चिपकू बम लगा दिया। हाथ हटा। बुतरीना, यहाँ भूतों का बादशाह पता नहीं चाय या चीनी की बरनी में कैद है और तुम कुछ कर नहीं रही हो। कुछ करो बुतरीना, कुछ करो। So we are stuck in a jar. We're not sure if it's sugar or tea. बुतरीना गाना मत गाओ, यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। सबसे पहले अपना जादुई ग्लोब यहाँ लेकर आओ ताकि मुझे कुछ दिखे। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से डमरू से कांटेक्ट करो ताकि वो हमें यहां से आजाद कर सके। यहाँ हम कैद हैं और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। डमरू उठो, जागो। मैं तारा कोयला बोल रहा हूँ। डमरू माली, सपने में भी गुस्सा करता है। ये सपना नहीं है, हकीकत है। जागो। कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? कौन है? प्रीतम, तू प्रीतम तो यहाँ नहीं है। प्रीतम, ओ लगता है बाथरूम में गया। तो फिर इतनी रात को कौन चिल्लाया? कौन चिल? उठो। तारा कोयला जैसी लगती है। तारा कोयला चिल्ला रहा है, जाके देखना पड़ेगा। क्या हो रहा है? तारा भैया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? नींद नहीं आ रही है? नींद की गोली तू? छोटे मोटे अगर देना ही है तो अपनी जान दे दो। लो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगर ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो मैं
हाँ ये बोतल हिला 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 बोतल हिला बस बस छोटे बस 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 बोले चिल्लाओगे हैं चिल्लाओगे चिल्लाओगे प्यारे खुश प्यारे खुश ए दारा कोयला का बज गया डोर कर दिया इनका दिमाग ए दारा कोयला का बज गया डोर कर दिया इनका दिमाग हाँ दारा कोयला का बज गया पूछ रही ना ये क्या मुसीबत है मैं चिल्ला भी नहीं सकता और ये डमरू यहाँ घोड़े पेचकर सो रहा है Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.